हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? लॉकडाउन के मजे ले रहे हो ना? चलिए तो भैया, घर से बैठ के पढ़ाई करने के मजे कुछ और ही होते हैं। अब ये मजा है या सजा है पता नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल चलिए मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को 11th पढ़ने में मजा आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि अभी जो चीज़ें चल रही है वो हालांकि इतनी टफ लेवल की चीजें हैं नहीं, वही चीजें पढ़ रहे हैं जो आप पहले से पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, है ना, लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी बहुत अलजेब्रा पढ़ी थी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे सीरीज और प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, सीरीज और प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज या प्रोग्रेशन, है ना, समझने की कोशिश करते हैं। बेटे, जब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स को अगर किसी एक खास पैटर्न पर हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है, एक पैटर्न पर जब हम अरेंज करते हैं तो उसको हम सीरीज, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एटसेट्रा कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं और हमने उनको एक पैटर्न पर ये कर दिया, अरेंज कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज बोल सकते हैं, प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं, जो चाहो बोलो। ठीक है, तो बेटे हमें तीन प्रकार के प्रोग्रेशन या सीरीज पढ़ने होते हैं। क्या क्या है वो तीनों चीजें देखते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप के सीरीज या प्रोग्रेशन अपने को पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक कहलाता है बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में हम इसको एपी कहते हैं। ठीक है, दूसरा कहलाता है बेटा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में हम लोग जीपी कहते हैं। ठीक है, और एक कहलाता है बेटा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। ठीक है, एचपी, ये इस तीन प्रकार के सीरीज और प्रोग्रेशन हमें जानना है। तो इनके बारे में हम लोग बेटे एक-एक करके बात करेंगे। हो सकता है इसमें अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक आप पढ़े होंगे, ठीक है, 10th या 9th में, क्लियर है, तो आपको इसका बेसिक आइडिया है और उतना ही हमें जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट ले लेते हैं बेटा अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। क्या होता है ये? अगर हम एक ऐसा सीरीज बनाते हैं, नंबर्स की एक ऐसी सीरीज बनाते हैं जिसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन रहे, कांस्टेंट रहे, सेम रहे, तो हम उसे क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक सीरीज बनाता हूं जिसमें कि हमने नंबर लिया है 1, 3, 5, 7, 9 एंड शो ऑन। ठीक है, तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव जो इसके टर्म्स हैं, जैसे इनके बीच का डिफरेंस क्या है बेटा, 2 है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, तो हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, 2, 2, 2, 2, है ना, तो या आप बोल सकते हो कि कांस्टेंट है। तो जब इस पैटर्न में हमने नंबर को अरेंज किया है तो ये क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत आसान है समझना, है ना, हमें आसानी से समझ में आ रहा है कि अगर हमने नंबर को इस ऑर्डर में अरेंज किया है कि उसके किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, सेम है, कॉमन है, तो वी कैन कॉल देम दैट सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ए, सॉरी, ए मैथमेटिकल सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ए मैथमेटिकल सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज अ कॉन्स्टेंट is called arithmetic progression, is called arithmetic
प्रोग्रेशन, ओके एपी, अंडरस्टूड। तो क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा मैंने अभी दिखाया आपको, लाइक 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ऐसा कर सकते हैं। या फिर हम ले सकते हैं बेटे 2, 4, 6, 8, है ना, तो ऐसा ले सकते हैं, है ना, क्लियर है बेटे। या फिर हम ले सकते हैं बेटे 1, 5, 9, 13 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये सारे जो सीरीज दिख रहे हैं वो अरिथमेटिक है, ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इनके किसी भी दो टर्म्स के बीच में 2 का गैप है, इधर भी देखो 2 का गैप है, यहां पर देखो 4, 4, 4, है ना, तो ये कॉमन है, कॉन्स्टेंट है। तो इस तरीके का जो सिक्वेंस होगा, इस तरीके का जो हमने नंबर्स को पैटर्न बनाया है, उसे हम क्या कह सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन सा सीरीज है बेटा, बहुत ही कॉमनली यूज होता है, तो हमें फिजिक्स में भी इसका कई बार यूज पड़ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटे अब हमने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा, इसके कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स होते हैं, कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं इसमें, उसको समझते हैं, ठीक है। पहला चीज होता है बेटा, एक टर्म यूज करते हैं हम, कहलाता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म किसी भी सीरीज का पहला टर्म, नाम से ही क्लियर है, जो फर्स्ट नंबर होगा किसी सीरीज का, किसी सीक्वेंस का, उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे, और उसको हम ए से शो करेंगे, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए, कैसे शो करेंगे बेटे, ए से शो करेंगे, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस होगा उसका जो पहला नंबर होगा उसको हम क्या कह देंगे, फर्स्ट टर्म कह देंगे, और उसको हम ए से शो कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ये क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव, है ना, अरिथमेटिक सीरीज के किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी is called common difference, okay, और इसको हम show करते हैं बेटा small d से, it is shown by small d, ठीक है। इसको कैसे show करते हैं, common difference को d से show करते हैं, small d से। तो बेटे general form of किसी भी ap, किसी भी एपी का जनरल फॉर्म हम अगर तैयार करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा बेटे, पहला टर्म को हमने ए कह दिया, उसके बाद क्या होगा बेटा, अगला ए प्लस डी हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड इसी तरीके से एनवा क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 into d, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 into d, इस तरीके से होता चला जाएगा। तो ये ap सीरीज का, है ना, जनरल फॉर्म हो गया, क्लियर। तो आप किसी भी दो को माइनस करके देखो आपको d मिल रहा है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस हो गया d और पहला हो गया। तो इसमें इस सीरीज का
इस सीरीज का अगर हमें कोई भी nth टर्म n-वां टर्म पता करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो वी कैन टॉक अबाउट nth टर्म ऑफ n ap, है ना। कभी भी किसी ap का n-वां टर्म निकालना हो, है ना, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला बन जाता है बेटा, है ना, a nth निकाल रहे हैं हम, क्या हो जाएगा बेटे? फॉर्मूला इसका हो जाता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वॉट? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म, ठीक है। nवां टर्म अगर हमें एक एपी सीरीज का पता करना है तो हम पता कर सकते हैं। क्या इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है बेटा, क्या यूज है इसका? लाइक जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था अपना एपी का हमने पहला एग्जाम्पल लिया था कि 1 3 5 7 9 ऐसा, ठीक है, लिखते गए। मान लो इस सीरीज का मैं जानना चाहता हूं कि मेरा 100वां 100वां, ठीक है, 100th जो ये है टर्म है वो कौन सा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटे? ए 100th निकालना है, 100th, ठीक है। तो इसमें आपके पास फॉर्मूला मिल चुका है बेटे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए देखो क्या हो गया, पहला टर्म प्लस कौन सा चाहिए मुझे, 100वां चाहिए ना, तो एन के बदले क्या आ जाएगा बेटा, 100 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितने हैं बेटा, 2, तो यहाँ पर 2 रख लेंगे। सो 1 प्लस 100 माइनस 1 कितनी हो गई बेटा, 99 इंटू 2, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, 99 इंटू 2, है ना, तो ये हो गया 198 प्लस 1, हाउ मच, 199, है ना। 100वां टर्म क्या हो जाएगा भैया, 199 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये है इसका यूज कि आप उस सीक्वेंस का, उस सीरीज का कोई भी टर्म डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा होगा, 25वां टर्म 28वां टर्म, है ना, इस तरीके से पता कर सकते हो। सो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ, सॉरी, nth टर्म ऑफ एन एपी। नाउ अगर आपके पास कोई अरिथमेटिक सीरीज है, ठीक है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसके टर्म्स को ऐड कर सकते हो और उसका समेशन निकाल सकते हो। तो अगर हमें निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एन टर्म्स का अगर मुझे सम निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा? तो आपको पता है बेटा कि आपका सीरीज एपी सीरीज कैसा रहेगा, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड शो ऑन, ऐसा रहेगा। तो इसके सम को एस से शो कर सकते हैं बेटा, कितने टर्म्स का, एन टर्म्स का करना चाहते हो, तो एस एन इसका नोटेशन हो जाता है। इसका फॉर्मूला आ जाता है बेटा एन बाय टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला टू एड अप n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी के n टर्म्स को अगर आपको ऐड करना है तो आप इस तरीके के, मतलब इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। क्लियर? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वॉट इज n बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स को ऐड करना है, ठीक है। a आपको पता ही है क्या चीज है ना, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इसी को आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे, एन बाई टू 2a को a प्लस a लिख सकता हूं बेटा, तो a प्लस a इंटू एन एंड एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ओके। तो बेटे ये वाला जो है ना सेपरेट, अभी अभी आपने देखा, अभी अभी आपने देखा कि ये वाला जो चीज है वो क्या चीज है, लास्ट टर्म है, दिस इज व्हाट, लास्ट टर्म एल बोल सकते हैं, और ये क्या चीज था बेटा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। तो इसका एक और रूप हो सकता है एन बाय टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर आपको लास्ट टर्म पता हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लास्ट टर्म पता हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो,
लास्ट टर्म नहीं पता हो तो ये यूज करो, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला क्या कर सकते हो बेटे, आप यूज कर सकते हो बहुत ही इजीली। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपको समझ में आता है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, कैसे यूज करना है, एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कैसे यूज करना है। अब देखिए बेटा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वन वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस ऐसा करके जा रहा है, ये एक हमारा एपी है, दिख रहा है ना, दिस इज एन एपी। अब इस एपी के मान लो मुझे 20 टर्म्स को ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऐसा करना है, तो कैसे करेंगे, है ना बेटा? तो बेटा अभी आपने सीखा है ना, देख के समझ में आ रहा है, दो दो दो, तो ये क्या हो गया भाई, एपी हो गया। तो एपी का सम करना है, कितने टर्म्स का करना है बेटा, 20 का करना है, तो एन के प्लेस पे आ गया क्या 20, है ना। तो यहां पर देखो लास्ट टर्म नहीं पता है आपको कि 20वां टर्म क्या है, तो आप क्या यूज करोगे बेटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो एन की वैल्यू कितनी है बेटे, यहाँ पर 20 है, तो 20 बाई टू, टू ए कितना है बेटा 1 है, प्लस एन कितना है 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 2, है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो ये हो गया 10, ये हो गया 2, 19 और 2। ठीक है बेटे, तो 10 2 प्लस ये कितना हो गया 38, तो 38 2 क्या हो गया 40 इंटू 10 कितना हो गया बेटा 400। तो इसके फर्स्ट 20 टर्म्स का जो सम है वो कितना होगा बेटा 400 होगा। ठीक है, इसके पहले 20 टर्म्स को अगर हमने एडअप किया, ऐड किया, तो क्या मिलेगा हमें 400 मिलेगा। ठीक है, तो देखो अगर दो चार टर्म्स को ऐड करना हो तो वी कैन डू इट, है ना, ओरली, बट जब हम ज्यादा टर्म्स होते हैं तो आप नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते सिंपल तरीके से, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है बेटे? तो बार बार इसकी यूज होती है, कई जगह हमें यूज पड़ता है इसका फिजिक्स में, तो आपको अभी से पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब इसके कई स्टैंडर्ड यूज भी हैं, जैसे कि मैंने एक सीरीज लिखा इंटीजर्स का, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा। ठीक है, क्लियर है? तो बेटे ये भी तो एक एपी बनता हुआ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हर एक के बीच में गैप कितना है बेटा, इसके बीच में वन, इसके बीच में वन, इसके बीच में वन, तो ये भी क्या है, एक एपी है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा वन, और कॉमन डिफरेंस भी क्या है वन, ऐसा है। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं बेटा, इंटीजर्स का, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स का ये क्या बोलते हैं, एपी। अगर हमें फर्स्ट एन इंटीजर्स का, या क्या बोलते हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का अगर हमें सम निकालना है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसको ऐड करना है। तो बेटे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप चाहो तो मतलब निकाल सकते हो, बट हमें जरूरत नहीं है, हम याद रख सकते हैं। तो एस एन जो होगा नेचुरल नंबर्स का, उसका फॉर्मूला होता है बेटा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, वेरी सिंपल। तो फॉर एग्जाम्पल हमें वन टू 20 तक या 40 तक ऐसा ऐड करना है। ठीक है, लाइक 20 तक करना है, तो सीधा है ना 20 टर्म्स का करना है बेटा, तो 20 इंटू 20 प्लस वन क्या हो जाएगा 21 अपॉन टू, तो ये कितना हो गया 10, तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा कितना 210। ठीक है, 210, तो जितनी भी नंबर्स हो, जितने भी टर्म्स हो, आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, अब आगे अगर आपको सम ऑफ
सम ऑफ, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो कभी कभार यूज हो सकते हैं, है ना। तो बेटे सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, अगर आपको स्क्वेयर्स को सम करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा ऐड करना है, ठीक है बेटा। तो जितने भी टर्म्स का ऐड करना होगा, यू कैन यूज फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ठीक है। एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एडिंग स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर आपको एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वेयर्स का सम करना है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ओके। नाउ अगर आपको क्यूब्स का सम लेना है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, लाइक 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन, इसको ऐड करना है, ठीक है बेटे। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो समेशन आएगा एन टर्म्स का, क्लियर है, ये होता है बेटा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं, ओके बच्चे। तो ये कुछ सिंपल फॉर्मूले हैं जिसे आपको याद रखना है ना, जो कभी कभी यूज होता है। मैं अक्सर आपको बोलता हूँ बेटा, जो अभी की चीजें चल रही है, जो फॉर्मूला बेस्ड है, जो आपके पूरे मेमोरी बेस्ड चीजें हैं, इसको आप जब भी नोटबुक बनाएं, फिजिक्स की कोई भी नोटबुक बनाएं, आपको, आप मान के चलो कि 2 ईयर्स में कम से कम आपके 5 to 6 नोटबुक्स बन जाएंगे। हर नोटबुक के ऊपर ये चीजें कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपको ये हमेशा हर टाइम क्या रहेगा, याद होता रहेगा, क्योंकि जब भी आप अपने नोटबुक को पलटोगे, आपके सामने से ये एक बार स्कैन होगा और ये आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो आप जरूर इस चीज को करें। तो ये हो गया बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है, एपी सीरीज के बारे में हो गया, क्लियर। अब जैसा मैंने बोला बेटा कि तीन चीजें पढ़नी है हमें, हमने तो अरिथमेटिक पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज, ठीक है। चलिए बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखो बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, अगेन ये एक ऐसा मैथमेटिकल सीरीज है बेटा, एक ऐसा मैथमेटिकल सीक्वेंस है जिसमें जिसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्या बोल रहा हूं मैं, एक ऐसा सीक्वेंस या एक ऐसा सीरीज जिसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो रेशियो होता है वो कॉमन रहता है, कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, ऐसा लिखा 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप देखो बेटा किसी को भी करके देखो, है ना, 2 by 1 क्या होगा 2, 4 by 2 2, 8 by 4 2, 16 by 8 2, 32 by 16 2, है ना बेटे। तो देखो किसी भी दो का रेशियो, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रह रहा है, 2 रह रहा है, क्लियर है मेरी बात। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ए मैथमेटिकल सीक्वेंस इन विच रेशियो ऑफ एनी टू कंसिक्यूटिव टर्म्स, ओके, ए मैथमेटिकल सीक्वेंस इन विच रेशियो ऑफ एनी टू कंसिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके, शॉर्टकट में जीपी कहते हैं। आगे बात समझ में बेटे, तो इसका एग्जाम्पल यही ले लेता हूं मैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड शो ऑन,
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, एक जीपी हो गया, है ना, ये हमारा एक जीपी हो गया। अगेन यहां पर भी बेटा जो इसका पहला टर्म होगा, है ना, इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट नंबर होगा इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म कह देंगे और इसको हम ए से शो करेंगे, ठीक है, इसको हम ए से शो करेंगे। तो ये चीज हम पहले पहले ही समझ चुके हैं। यहां पर एक नया टर्म आ गया, कॉमन रेशियो। वहां पर क्या होता था बेटा, कॉमन डिफरेंस होता था, यहां पर क्या है, कॉमन रेशियो है, ठीक है, कॉमन रेशियो। अच्छे से समझ में आ रहा है? तो बेटे कॉमन रेशियो को हम लोग स्मॉल आर से शो करते हैं, ठीक है, कॉमन रेशियो को हम लोग स्मॉल आर से शो करते हैं। तो व्हाट इज कॉमन रेशियो, व्हाट इज कॉमन रेशियो, तो बेटा इसको कह सकते हैं हम लोग द रेशियो ऑफ एनी टू कंसिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। इट इज शोन बाय स्मॉल आर, ठीक है। तो आगे बात समझ में बेटा, कॉमन रेशियो क्या होता है। वेल आगे बढ़ जाऊं मैं, तो अगर मैं एक जनरल फॉर्म तैयार करना चाहता हूं किसी जीपी का तो कैसे तैयार होगा, जनरल फॉर्म ऑफ अ जीपी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, इस तरीके से होता चला जाएगा बेटा। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो आपको एक चीज तो समझ ही आ गया बेटा कि इसका जो पहला टर्म है उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे और दोनों के रेशियो, मतलब किसी भी दो टर्म्स के रेशियो को क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो कहेंगे। अब अगर इसमें मुझे प्रेडिक्ट करना है कि एनवा टर्म मेरा क्या आएगा, अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है कि मेरा एनवा टर्म क्या होगा, तो फिर उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो एनथ टर्म ऑफ अ जीपी, ठीक है बेटा, तो nth टर्म जो होता है जीपी का वो क्या हो जाएगा, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, दिस द फॉर्मूला फॉर nth टर्म, ठीक है, nth टर्म के लिए। तो जो हमने लिया था जैसे कि 1 2 4 8 16 ऐसा करके हमने लिया एक, ठीक है, तो इसका मुझे मान लो 50वां टर्म पता करना है कि 50वां 50th टर्म क्या होगा, ठीक है, 50th टर्म क्या होगा। तो क्या करेंगे बेटे, तो पहला टर्म क्या है बेटा, वन है, कॉमन रेशियो कितना है, टू है ना, और कौन सा चाहिए, 50वां बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं सिक्स्थ ले लेता हूँ, सिक्स्थ टर्म ले लेता हूँ, तो सिक्स माइनस वन, है ना, सिक्स माइनस वन ऐसा हो जाएगा। तो देखो टू का पावर क्या आ जाएगा, फाइव, और कितना आ जाएगा बेटा ये 32, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो छठा टर्म क्या आ जाएगा हमारा, 32 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एनवा टर्म कैलकुलेट कर सकते हो। वेल तो एनथ टर्म कैलकुलेट करना आ गया आपको। अब देखो अगर कोई हमारे पास जीपी है तो जैसे हमने एपी का सम किया था वैसे ही क्या हम जीपी के भी सम कर सकते हैं, तो यस जीपी के सम कर सकते हैं। अब देखो जीपी जो है वो हम दो तरीके से बांट देते हैं जीपी को, एक को कहते हैं फाइनाइट सीरीज और एक को कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, दोनों को अलग अलग तरीके से हम सॉल्व करते हैं। जीपी के दो तरीके, एक को क्या बोलेंगे बेटा, फाइनाइट फाइनाइट जीपी, और एक क्या हो जाएगा बेटा, इन फाइनाइट जीपी, ये खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, खत्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, तो ये इनफाइनाइट जीपी हो गया। हम दोनों को अलग अलग तरीके से करते हैं, तो हम पहले बात करेंगे सम ऑफ फाइनाइट जीपी, सम ऑफ फाइनाइट
जीपी, ठीक है? इसमें आपको पता रहेगा कि कितने टर्म्स तक है, ठीक है? कितने टर्म्स तक करना है वो आपको पता रहेगा। तो सम ऑफ फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है बेटा, एस एन इक्वल्स टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला, क्लियर? शर्त बस इतनी है कि आर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर जीरो हो जाएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, सॉरी आर वन नहीं होना चाहिए, सॉरी आर क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन होगा तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? आर बस वन नहीं होना चाहिए। तो अब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, एस एन बराबर क्या हो जाता है बेटे, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, कुछ दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में क्लियर है? बस आर इक्वल्स टू वन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ये हो गया सम ऑफ फाइनाइट जीपी। अगर हम इनफाइनाइट जीपी की बात करें तो क्या करेंगे, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, तो बेटे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के लिए क्या करना होता है आपको, एस एन इक्वल्स टू ए अपॉन वन माइनस आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ए अपॉन वन माइनस आर, सिंपल सा फॉर्मूला है। यहां कंडीशन बस इतना है कि आर की जो वैल्यू है वो माइनस वन से लेकर के वन तक होनी चाहिए, माइनस वन से लेकर के वन तक, ठीक है? तो ए अपॉन वन माइनस आर है ना, ऐसा लेना है। कंडीशन क्या है, आर की वैल्यू यानी कॉमन रेशियो माइनस वन से वन तक ही होनी चाहिए, ठीक है? तो आप इनफाइनाइट सीरीज का सम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, ए अपॉन वन माइनस आर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी ना सीरीज के बारे में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मोस्टली यूज ये होता है, ठीक है? तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर होता है, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो, और कंडीशन क्या है बस कि आर की जो वैल्यू है वो माइनस वन से वन तक होनी चाहिए, ठीक है? माइनस वन से वन तक होनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ये चीजें, ठीक है बेटे? तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हो गया ए अपॉन वन माइनस आर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लाइक आई से कि वन, 1 बाई टू, 1 बाई फोर, 1 बाई एट, 1 बाई सिक्सटीन, 1 बाई 32 एंड सो ऑन, ठीक है? तो इस तरीके से है अगर सीरीज हमारा, तो बेटे इस सीरीज का पहला टर्म क्या हो गया, देखो ए हो गया। अब देखो किसी का भी रेशियो कर लो, देखो किसी का भी रेशियो कर लो तो कितना आ रहा है, 1 बाई टू आ रहा है, तो आर कितना हो गया बेटा, 1 बाई टू हो गया है ना, आर कितना हो गया, 1 बाई टू। तो देयरफॉर अगर हमें ये इनफाइनाइट, ये जाते ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है? इनफाइनाइट है, ठीक है, इन्फिनिटी तक है ऐसा। तो बेटे क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला है आपके पास, ए अपॉन वन माइनस आर। सो ए की वैल्यू कितनी है बेटे, वन है, और वन माइनस आर की वैल्यू क्या है, वन बाई टू है, तो वन माइनस वन बाई टू क्या हो जाएगा बेटा, वन बाई टू विच इज इक्वल्स टू टू, विच इज इक्वल्स टू टू। आ रही बात समझ में? तो इसका जो सीरीज सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है? तो लाइक दिस यू हैव टू यूज फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो बेटे हमने अभी तक दो टाइप के जो सीरीज थे, एपी सीरीज एंड जीपी सीरीज, वो हमने कर लिया, ठीक है? अब देखो बेटा ये जो सीरीज है ना, वो एपी और जीपी ये दो ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एचपी बस नाम का है, एचपी का हमें कोई यूज नहीं पड़ता, तो जस्ट एक सिंपल ओवरव्यू लेंगे है ना, देखते हैं क्या होता है एचपी, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लेट्स सी। इसका कोई यूज नहीं होता हमारे में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एचपी। तो बेसिकली ये एक ऐसा मैथमेटिकल सीक्वेंस है बेटा, जो कि बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रेसिप्रोकल करने से मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, पहले जैसे हमने देखा था कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन, ये क्या है, एपी है, देखो सब सब में कॉमन डिफरेंस वन का है, वन का है, वन का है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, एपी हो गया। अब इसी को पलट दो, वन बाई वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, वन बाई फाइव, सबका रेसिप्रोकल ले लो, तो ये जो सीरीज तैयार होगी ना वो कहलाएगा एचपी, ये एपी है और ये एचपी हो जाएगा, ठीक है? तो व्हाट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेटा, व्हाट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो वी कैन से ए मैथमेटिकल, ए मैथमेटिकल
सीक्वेंस सीक्वेंस इन विच या विच इज ऑब्टेंड बाय विच इज ऑब्टेंड बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ एपी। ठीक है, एपी के रेसिप्रोकल लेने से है ना क्या बन जाता है हमारा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता, सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाता है। इसके बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कभी यूज होता नहीं है हमारे फिजिक्स में। ठीक है, हम हाँ एपी का यूज होता है, जीपी का यूज होता है, जीपी का इन्फाइनाइट वाला मोस्टली यूज होता है। ठीक है बच्चे, तो ये रहा सीरीज के बारे में है ना। काफी आसान काफी इजी होता है ये, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, बस सिंपल कुछ फॉर्मूले थे जिसे आपको याद रखना है और जरूरत पड़ने पर इसे हम यूज करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो सीरीज सीक्वेंस या प्रोग्रेशन का ये लेक्चर यही खत्म खत्म होता है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।